ये लॉन्ग वाला पोस्ट आए हैं अपन, बॉर्डर पिक्चर देखिए क्या उसमें देखिए, तो सनी देओल बोलता है ना, बोले कि अब कहीं अगर मेरे पांव लड़खड़ा जाए तो तुम मुझे गोली मार देना। तो वही है बस, गोली मार देना अगर मेरे पांव लड़खड़ा जाए तो। आप देख सकते हो 23 पंजाब का मोर्चा, 23 पंजाब जो रेजिमेंट थी ना वो थी यहाँ पे, ये अल्फा कंपनी थी यहाँ पे उनकी। तो दुश्मन का सबसे पहले फायर इस सेक्शन पर ही आया था, उसका इरादा था कि वो इस सेक्शन को पहले हासिल करेगा, लेकिन इस सेक्शन के बहादुर सैनिकों ने दुश्मन से डटकर मुकाबला किया और विजय हासिल की। इस सेक्शन में एक रिकॉइललेस राइफल जीप भी मौजूद थी जिसमें दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। अब देख लो आप, यहाँ पे एक कंपनी थी सिर्फ, और उन्होंने पूरी टैंक रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान की। पाकिस्तान के टैंक हैं ये, जो टैंक है ना पाकिस्तानी टैंक है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, भैया को फोटो खींचने लगा दिया। तू डांस कर दो भाई, तू डांस कर दो भाई। तो ये है लोंगावाला म्यूजियम, एरोप्लेन, ये टैंक, वो एक और प्लेन, वो जो बाहर खड़े हैं वो पाकिस्तान के कब्जे करे हुए टैंक्स हैं कुछ, एक टैंक वहाँ है, एक टैंक वहाँ है, वहाँ कुछ है ना डिस्ट्रॉय किए हुए भी टैंक्स पड़े हैं, वो दिखा पाया तो दिखाऊंगा। अभी थोड़ी भूख लग रही है, कुछ लंच वगैरह करते हैं। यहाँ एक बार कैफे है, वहाँ चलते हैं, यहाँ देख लिया जो देखना था। कुछ गजब गजब बाइक्स है, ये देखो अफ्रीका ट्वेन BMW 1250, एक और अफ्रीका ट्विन, उधर सामने भी एक तो BMW खड़ी है, एक BMW 310 है और एक डुकाटी स्क्रैम्बलर, ओ अफ्रीका ट्विन एक और, ये रही BMW 310 डुकाटी स्क्रैम्बलर, अफ्रीका ट्विन ब्लू कलर में, ये टाइगर ट्राइम्फ टाइगर। यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है, चलो चलते हैं। इधर है क्या नॉर्थ माता है, लेफ्ट में चले। अब यहाँ से हो चुके अपन रवाना, अब यहाँ से जा रहे अपन तन्नोट माता के। तन्नोट माता में कितना टाइम लगेगा चिंटू भैया? आधा घंटा लगेगा तन्नोट माता में। कितना? 32 किलोमीटर है यहाँ से तन्नोट माता, वहाँ पहुँचेंगे फिर वहाँ से अपन जाएंगे वापस जैसलमेर। ओके चलो आगे मिलते हैं। पूरा सम से लेके यहाँ तक इतनी शानदार रोड है, और अभी तक तो और भी चले जा रहा है। तो ये पूरी रोड इसलिए बनाई है ताकि फाइटर प्लेन इमरजेंसी के अंदर उतर सके। तूने अभी मूवी आई थी ना वो भुज, हाँ हाँ हाँ, देखा होगा। तो उसमें क्या फाइटर प्लेन्स या कोई भी एयरफोर्स के प्लेन्स ना
वो उतर नहीं सकते थे। जब पाकिस्तान अटैक किया ना तो उन्होंने क्या किया, एयर स्ट्रिप्स को सबसे पहले उड़ाया, एयर स्ट्रिप्स को सबसे पहले उड़ाया, फिर उन्होंने रोड्स को उड़ाया। तो इससे होता क्या है कि भाई जैसे हमारी बैकअप है ना, वो टाइम पे पहुंचेगी नहीं, और तब तक वो लोग क्या ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। और एक बार क्या, जैसे पोस्ट लग गई ना इन्फेंट्री के साथ, तो उसको रिकवर रिकैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप देख, उन्होंने कब्जा कर लिया तो अब जैसे मान वो बंकर यहाँ खोद के बैठे, तो तू जाएगा तो तेरे को कम से कम 800-900 मीटर दूर से ही मार देंगे, उनके पास स्नाइपर्स होंगे सब, वो पहले से वहाँ बैठे हैं। तो ये दिक्कत रहती है कि आप रिकैप्चर नहीं कर सकते। अब हमने कैप्चर कर रखा था इसीलिए तो वो लोग भी नहीं आ सकते खुला ऐसे। तो वो क्या करते हैं, वो भारी तादाद में आते हैं टैंक वैंक से पूरी आर्टिलरी के साथ, और सबसे पहले क्या करते हैं, खुद की एयरफोर्स से, हमारी एयरफोर्स के जो वो है ना एयर स्ट्रिप्स और ये जो रोड्स हैं मेजर रोड्स, इनको उड़ाते हैं सबसे पहले, जो कोई जल्दी ना पहुंच पाए। हाँ, उनको बैकअप ना मिल पाए। हाँ, तो अभी हमारी गवर्नमेंट या इंडिया अभी इतना कैपेबल हो गया ना कि उन्होंने वैसे एयर स्ट्रिप्स तो सारी छुपा दी। अब तेरे को ये सिर्फ ये रेत के टीले टीले दिख रहे हैं ना, इनके नीचे से साइड में से तू देखना, बहुत सीक्रेट लैंड या फिर टेक ऑफ करवाने के वो हैं, अपन को दिख नहीं रहे, नेकेड आईज से ऐसे दिख नहीं रहे, लेकिन ये तेरे को ऐसा लग रहा है ना इसके नीचे हो सकता है पूरा एक अंडरग्राउंड बेस हो। तो वो सीक्रेट है, अपने को किसी को पता नहीं है। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी इंडिया मजबूत है पहले के उस मुकाबले, एडवांस है। अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा ना उतना बढ़िया हमारे लिए है। तो अब वो रोड उड़ा भी देंगे ना, जैसे कितनी रोड उड़ाएंगे, अभी जैसलमेर को कनेक्ट करने वाली कम से कम 4 रोड है यहाँ से, तो वो चारों रोड पे जब तक वो बॉम्बिंग करेंगे ना तब तक हमारी एयरफोर्स वापस काउंटर अटैक कर पाएगी, तो उनके बॉम्बर्स को जवाब दे देंगे हम। अब होता क्या है, वो बॉम्ब भी ऐसे डालते हैं और इतना बड़ा गड्ढा कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बॉम्ब डालेंगे ना तो बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रोड टूट गई हल्की सी, गड्ढा हो जाता बहुत भारी बहुत बड़ा। उधर से आता हाईवे और इधर है मंदिर, वो उधर है वो रहा, वो है मंदिर, ये रही है एंट्रेंस। चलो इधर से चलते हैं अंदर। क्या है सामने देखिएगा, इसमें क्या है। हाँ मेरे पास है। लाइन में लग जाओ। मैगी है, मैगी। तो तन्नोट माता के दर्शन हो चुके हैं और अपन यहाँ पे आए हैं लंच करने के लिए। लंच में मैगी वगैरह है यहाँ पे, तो अपन यहाँ मैगी खाएंगे, फिर यहाँ से रेडी होके अपन जाएंगे वापस जैसलमेर की तरफ। ये सब टाइम है चल रहे था, ये ले लिया अपन ने कॉफ़ी छाछ। ये टाइम है अब चलने का, तो तन्नोट माता को कर देते हैं यहाँ से बाय बाय। तो अपन आ चुके हैं होटल हेरिटेज जैसलमेर में, अपन को आज रात यहीं रुकना है।
इसका नाम है भीमगढ़ होटल। आपको रूम दिखाया मैंने, रूम देखा आपने, और थोड़ा सा हमें रेडी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, फिर हमें जाना है डिनर के लिए। डिनर के लिए हम उस पहले वाले होटल में जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से इनवाइट आया है डिनर के लिए, हम लोग वहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए। तो अभी हम सब लोग रेडी हो जाते हैं, भैया अन्नू और भाभी सब उस रूम में सामने वाले में, और मैं जाता हूँ अभी रेडी हो रहता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो अब मैं फ्रेश होके आ चुका हूँ, तो अपना ये रूम है, मैंने रूम आपको पहले दिखा चुका हूँ। वो बेड में भी लाइट है देखो। ये चीज़ अच्छी लगी विंडो वाली, ये देखो। ओहो, इस रूम में थोड़ा छोटा है, भैया वाले रूम में तो इतने बड़ी है वो कि आराम से एक आदमी आराम से सो सकता है। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज हो ही रहा है, मैं कैमरे की बैटरी भी चार्ज लगा देता हूँ, तो फिर अपन को चलना है डिनर के लिए। तो डिनर के लिए चलेंगे, तो मैं थोड़ा बहुत और सीन रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। 8 बज चुकी है, डिनर का टाइम हो चुका है, बाहर का मौसम अच्छा है, और अपन को अभी वहाँ उस होटल जाना है डिनर के लिए। तो डिनर के लिए सब रेडी है, मैं लगा देता हूँ लॉक, ग्लासेस, ये कैमरा कैप, चाबी, पैक क्या करें। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। डिनर विनर हो चुका है, वहाँ कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ मैं कैमरा लेके नहीं गया, कैमरा फिर वहाँ पे रखते भी कहाँ, तो मैं कैमरा विनर लेके नहीं गया वहाँ। थोड़ा बहुत मोबाइल से रिकॉर्ड किया है मैंने, वहाँ की वीडियो जो भी अभी रिकॉर्ड की थी मैंने मोबाइल से, वो मैं आपको पहले दिखा दी है। और अब बस रूम में आए हैं, अभी चेंज वेंज करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर हमें सुबह जल्दी उठना है, सुबह हमारा कुछ और प्लान है, तो सुबह का प्लान आपको मैं सुबह बताऊँगा। तो अभी हमको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो चलो ठीक है, 5 दिन बाद में मिलते हैं। तो आपको एक जैसलमेर का किला, तो आपको जैसलमेर का किला दिखाना चाहिए, क्योंकि देखने लायक किला तो रात को ही होता है। मैं दिखाता हूँ, एक बार खिड़की खोलता हूँ, फिर दिखा दूँगा आपको। कुछ फोटोज खींची थी मैंने उस किले की, थोड़ा सा इस वाइड एंगल से थोड़ा दूर पड़ रहा है, थोड़ा लेंस चेंज करता हूँ। लेंस चेंज करने के बाद एक दो फोटो लेता हूँ जो मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो आपने वो फोटोज देखी, अच्छे से जूम जूम कर करके मैंने फोटोज ली। अब खिड़की बंद करते थे, ठंडी हवा चलती है, खिड़की कर देते हैं अपन बंद। तो इस ब्लॉग को करने का आ गया है एंड, और हो चुकी है रात, टाइम हो रहा है 10:12। आपको मैंने बाहर गाड़ी की फोटो दिखा दी, हमारा डिनर हो गया, हम बाहर जाके आ गए। अपन जो सुबह प्लान होगा वो मैं आपको सुबह बताऊंगा, अभी हमें करना चाहिए आपको बाय बाय, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मतलब सुबह मिलते हैं। टीवी फाइनली ऑन हो चुका है, वो ऐप तो अपडेट पता नहीं क्या हो रहा था, वो अपडेट हुआ नहीं क्योंकि नेट से कनेक्ट नहीं था। और अब यूट्यूब चल चुका है, तो अपना यूट्यूब से थोड़ा टाइम पास करते हैं। अभी अपन ने कपिल शर्मा शो चला रखा है, थोड़ी देर कपिल शर्मा देखते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, थोड़ा टाइम पास सही हो गया यार, मोबाइल वोबाइल क्या चलाएंगे, उससे सही टाइम पास होगा। थोड़ी देर कपिल शर्मा देखते हैं, उसके बाद सो जाएंगे, फिर आपसे सुबह मिलते हैं। ओके, बाय बाय।